बंद करो, भेदभाव बंद करो, बंद करो। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाय हाय। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाय हाय। वचन साहब, जय मां जय मां। 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 जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। संस्कृत के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। संस्कृत के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो भेदभाव बंद करो। हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय। हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय। गवर्नर साहब, हाय हाय। गवर्नर साहब, हाय हाय। हाय हाय। गवर्नर साहब, हाय हाय। गवर्नर साहब, हाय हाय। गवर्नर साहब, हाय हाय। गवर्नर साहब, हाय हाय। विश्व हिताय संस्कृतम, विश्व हिताय संस्कृतम, विश्व हिताय संस्कृतम, विश्व हिताय संस्कृतम, विश्व हिताय संस्कृतम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। 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 और लीडर थोड़ा पीछे हो जाए ताकि गाड़ियां निकल जाए। चल लगे ना मोटरसाइकिल जी। सर बताया आज के प्रदर्शन के बारे में। स्कॉलरों द्वारा, संस्कृत के स्कॉलरों द्वारा सरकार जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी सदगुटी के लिए जम्मू क्योंकि हाल ही में जो हाई स्टैंडर्ड्स अपग्रेड हुई हैं उनमें इन्होंने संस्कृत को बिल्कुल निरस्त कर दिया है, संस्कृत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। इसी के विरोध में आज संस्कृत स्कॉलर वर्ग इकट्ठा हुआ। उन्होंने इन मूर्ख अधिकारियों के लिए, मूर्ख अधिकारियों की सदबुद्धि के लिए, जो बुद्धि इनकी मलिन हो चुकी है, जिन्होंने संस्कृत को मिटाने के लिए बड़े प्रयत्न किए जा रहे हैं, उनकी सुबुद्धि के लिए इस पावन महीने सावन के महीने में यज्ञ रखा गया ताकि परमपिता परमात्मा इनकी बुद्धि को जो है शुद्ध करे और इनमें ये जागृति आए कि संस्कृत पढ़ने के अनेक फायदे हैं। आज जो संस्कृत पूरे विश्व में उनका अपना जो ढक्के की चोट पर चल रही है वही संस्कृति इस शारदा मठ से मिटाने की इनकी साजिश है। और मैं कह देना चाहता हूँ कि आज ये जो सदबुद्धि यज्ञ है, ये सड़क के किनारे हमने अपने विश्वविद्यालय के गेट के आगे रखा ताकि इनको पता चल जाए कि संस्कृत के बड़े अनेक असंख्य स्कॉलर हैं जो संस्कृत पढ़ा सकते हैं और बड़े अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आज ये यज्ञ सड़क के किनारे था। धीरे धीरे अगर संस्कृत के विषय में कोई अच्छे कदम नहीं उठाए गए तो ये यज्ञ सड़क के बीच में